होगी, उस्मान के सहावत की बात होगी, आज की रात होगी हजरत अली की शजाअत की बात होगी, आज की रात होगी हुसैन आजम के शहादत की बात होगी, आज की रात होगी गौसे आजम की करामत की बात होगी, आज की रात होगी ख्वाजा पिया की मोहब्बत की बात होगी, आज की रात होगी करबला वाले हुसैन आजम की बात होगी। इसलिए मैं तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा जो इधर उधर बैठे हैं, आप तमाम हजरात से गुजारिश है आगे की कुर्सियां खाली है, आप आगे आकर के बैठे और अल्लाह उसके रसूल का तज़किरा सुने और अपनी नेकियों में इजाफा फरमाए। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुशायरे में चाहे काफी शरीफ का मुशायरा हो, चाहे हमदार शरीफ का मुशायरा हो, चाहे बरेली शरीफ का मुशायरा हो, बड़े बड़े मुशायरे में जिन्हें नाकिया सारी फाते का सरफ हासिल है वो शायर के नाम बुलबुले वाले मदीना शायर आजम हिंदुस्तान हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक तशरीफ ला चुके हैं। बस कुछ ही देर के बाद आपके सवालों की तहनीक भी वो पहुंचेंगे। साथ ही साथ हिंदुस्तान के बड़े बड़े खुतबाए बयान में जिनका नाम आता है वो दाद का नाम है आर्य कुरान हजरत अल्लामा मौलाना कारी निसार अहमद कलकत्वी, ये भी तशरीफ ला चुके हैं। साथ ही साथ बुलबुले वाले मदीना मताहिर करुणाम मोहतरम मुजाहिद रजा मुजाहिद, ये भी तशरीफ ला चुके हैं। और फैक्ट्री खिलाफ मुंबई बुलबुले वाले मदीना मोहतरम मुकीम रजा पैकर, ये भी तशरीफ ला चुके हैं। साथ ही साथ हजरत अल्लामा मौलाना साहिब रजा साहिब खतीब मदीना नगर, ये भी रौनक के अफरोज है। और दीगर उलमाए किराम ये तमाम लोग तशरीफ ला चुके हैं। ये चार पांच कुर्सियां खाली हैं, पीछे वाले लोग कुर्सी में बैठ जाइए, उसके बाद इंशाल्लाह चालू कर दिया जाएगा। ये सामने वाली कुर्सियों को आप भरिए और थोड़ा कुर्सी को आगे बढ़ाइए, यहाँ कोई बैठेगा सब कुर्सी में बैठेगा, इसलिए कुर्सी को थोड़ा आगे लेकर हम लोग आइए, कुर्सी को लेकर के थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए आप लोग, जो खाली कुर्सी है साइड कीजिए। अब्दुल करीम है, अस्सलाम वालेकुम, आ गया फिर जल्दी आगे आइए, आप लोग कुर्सी को आगे लेकर के आइए और सारे लोग बढ़ जाइए। बिल्कुल अब जो है वक्त का इंतजार नहीं किया जाएगा, बहुत देर से जो है मुकम्मल सुधारने में रचाने में कोई कसर नहीं छोड़ा हमारे अफ्ताब साहब ने और माइक्रा को छोड़ा है जान बुलाया है। लेकिन मेरे नूर पर हमारे मुआजिन जैन साहब, ये भी रौनक के अफरोज है, हमारे हजरत लतीफ साहब, ये भी रौनक के अफरोज है, लेकिन दिगर और माइक्रा हमारे अंदराज मौलवी सलीम साहब, ये भी रौनक के अफरोज है। ये तमाम लोग तशरीफ ला चुके हैं। आप तमाम हजरात से गुजारिश है खाली है, आगे ही थोड़ा सा आगे, वो पीछे वाले लोग आगे, उसे खा गया सब दूर में हम लोग बैठे हुए हैं। आइए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तमाम लोग तशरीफ ला रहे हैं और मैं तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा, आपका बालों से गुजारिश है जो मेहमान लोग आए हैं उन लोगों को बोलिए अब मेहमानी खत्म, अब दर्शकाह में बैठाइए उन लोगों को, अब बिला बिला का है पूरा मजमा दोनों हाथ उठाइए और कहिए या रसूल अल्लाह, और जो से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जो से कहिए या रसूल अल्लाह, लगाते हैं नारा हम ईमान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, लगाते हैं नारा हम ईमान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, माशाल्लाह। अब आइए मेरा मैसेज है, बिला बिला ताखिर अब मैं आपके लिए नाते पाते मुस्तफा के हकीम की तरफ से पेश करने का चाहता हूँ। शहर जा रहा है बहुत बुलंद बुलंद है मीनारे गुंबदे खजरा, भैया सुभान अल्लाह साबिर भाई, हाँ देखिए थोड़ा सा शेर सुनिएगा, जब बहुत बुलंद है मीनारे गुंबदे खजरा, जमीन पे होते हुए आसमान लगता है, बहुत बुलंद है मीनारे गुंबदे खजरा, जमीन पे होते हुए आसमान लगता है और फलक पे रोशन है जो चौदहवीं का चांद, मेरे नबी के कदम का निशान लगता है, फलक पे जो रोशन है चौदहवीं का चांद, फलक पे रोशन है जो चौदहवीं का चांद, मेरे नबी के कदम का निशान लगता है। दूसरे शहर ने कहा था कि प्यासे रहोगे सर को छोड़कर, पी जाओ करके साफ समंदर निचोड़कर, कितना बुलंद हो गया बीबी का आदमी रिश्ता रसूले पाक के कदमों से जोड़कर, कितना बुलंद हो गया।
مٹی کا آدمی رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر اب آئیے بلا کے جاتا ہے کفلے والے مدینہ مکہ ہے خیرانا کیونکہ ناتے پاکے مصطفیٰ اب آپ ہی نہیں پڑھتے بلکہ ناتے پاکے مصطفیٰ مدینہ کی در و دیوار پڑھتے ہیں مدینہ کی سہرہ پڑھتی ہے مدینہ کی آب و ہوا پڑھتے ہیں اس لیے شاعر نے کہا ہے ملائکہ کے در پہ باری باری نعت پڑھتے ہیں سکندر مکہ طیبہ میں بھکاری نعت پڑھتے ہیں خدا نے یوں بنائی ہے کی صورت نظر پڑتے ہی پتھر کے پجاری نعت پڑھتے ہیں خدا نے یوں بنائی ہے میرے سرکار کی صورت وارڈ صاحب آواز ملی جا رہی ہے جی خدا نے یوں بنائی ہے میرے سرکار کی صورت نظر پڑتے ہی پتھر کے پجاری نعت پڑھتے ہیں اب آئیے بات کا ہے رسالہ صاحب صلی اللہ تعالی وسلم کو میں آپ کے حوالے بلبلے باغ مدینہ محترم خسرو رضا زائکر کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں پورا ترجمہ استعمال کیجیے نعرہ نعرہ رسالت حضرت جانے سے قبل بس یہی کہوں گا کہ میری نگاہ محبت کے حسن انتخاب ہو چمن میں پھول بہت ہیں مگر گلاب ہو تو